एक व्यापारी करीब 15 से 20 वर्ष पहले अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपना मूलतः घर पालिक को छोड़कर पुणे महाराष्ट्र में गया था। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ भी कभी ऐसी अनहोनी हो सकती है। उसके परिवार के सदस्यों ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन आज सवेरे बुधवार करीब सवेरे 5:30 बजे की ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण एक दंपति और उनके दोनों बच्चों की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो जाती है। परिवार घर के अंदर सो रहा था, उसी दरमियान सवेरे बुधवार करीब सवेरे 5:30 बजे दुकान में आग लगी और दुकान में आग लगने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान के ऊपर ही परिवार एक कमरे में सो रहा था और उसी दरमियान आग की लपेटों ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आग ने उनके परिवार को घेर लिया और परिवार आग की लपेटों से जिंदा जल गया। जिंदा जलने से परिवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सवेरे जब अड़ोस पड़ोस के लोग जगकर घरों से बाहर आए तो पड़ोसी के उनकी एक दुकान में आग की लपेटें निकलती नजर आई तो पड़ोसियों के लोगों ने दमकल को सूचना दी और दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर पाए। दमकल के कर्मचारियों ने बताया कि आग का रूप इतना विकराल था कि उसने पूरे परिवार को जला दिया और साथ ही दुकान में रखा सामान भी जल गया। यात्रा के परिवार घूमने के लिए गया हुआ था और एक दिन पहले ही मंगलवार को परिवार वापस पुणे पहुंचा था और रात में घर में सो रहा था। उसी दरमियान सवेरे बुधवार को 5:30 बजे ये घटना घटित हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पाली जिले के केरल रोहित के रहने वाले बालाराम सिरियू ने बताया कि मेरा छोटा भाई चिमनाराम चौधरी, जिसकी उम्र करीब 48 वर्ष है, परिवार सहित पुणे के पूर्णा नगर स्थित पूजा हाइट्स बिल्डिंग में रह रहा था। परिवार में चिमनाराम की पत्नी नम्रता चौधरी, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, और उनके दोनों बेटे, एक का नाम भावेश चौधरी जिसकी उम्र 15 वर्ष व दूसरा सचिन चौधरी जिसकी उम्र 13 वर्ष है। पूजा हाइट्स बिल्डिंग के बेसमेंट में चिमनाराम की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान के ऊपर ही बने कमरों में चिमनाराम का परिवार रह रहा था। बुधवार सुबह 5:30 बजे पूरा परिवार सो रहा था, इसी दौरान हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपेटें इतनी भयानक थी कि कमरे को चारों ओर से घेर लिया और घेरने से चारों जिंदा जलने से दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। पुणे के सिरियू समाज के अध्यक्ष ने बताया कि चारों बॉडी पूरी तरह से जल गई थी जिसके कारण उन्हें पाली ले जाने जैसी स्थिति में नहीं रही थी। पुणे में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। कारोबार के परिवार के कुछ लोग पुणे में भी रह रहे थे, कुछ सदस्य पाली के लिए रवाना भी हो गए और जब दमकल के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो आग को काबू करने के लिए उनको भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शवों को निकालकर हॉस्पिटल भेजवाया और प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी होगी। ऐसी दर्दनाक घटना पुणे महाराष्ट्र से बताने जा रहा हूं।